लॉजिक गेट्स स्टार्ट करने से पहले जो हम लोगों को नंबर सिस्टम सिखाया जाता है ह्यूमंस को, वो काउंटिंग सिखाई जाती है छोटे बच्चे को 0 से 9 तक। तो 0 से 9 तक जो नंबर ऑफ जो टोटल नंबर है वो कितने होते हैं, 10 होते हैं। तो हम कौन सा नंबर सिस्टम स्टडी करते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम स्टडी करते हैं। जो मशीन्स हैं इलेक्ट्रॉनिक या कंप्यूटर, ये 10 नंबर समझ नहीं पाती, ये 2 ही नंबर समझती हैं, या 0 या 1। एक्चुअल में 0 1 भी नहीं समझती है, ये तो वोल्टेजेस होती हैं, एक हाई वोल्टेज एक लो वोल्टेज, बस इनको वोल्टेज समझ में आती है, पर हम इतनी डीप में नहीं जा सकते ना, इसको हाई वोल्टेज ये लो वोल्टेज है, हम 1 0 बोल देते हैं, 1 या 0। तो इसको 2 ही नंबर समझ में आते हैं, 0 और 1। आप कुछ भी एक मशीन को एंटर करवा दो, चाहे सॉन्ग चाहे मूवी चाहे अपना नाम कुछ भी टाइप करते जाओ, वो सबसे पहले कन्वर्ट करेगी करेगी मशीन उसको 0 1 1 0 में, उसको नहीं समझ में आएगा आप क्या लिख रहे हो। तो कन्वर्जन साथ की साथ होती ही रहती है, आप सेव करते हो इमीडिएटली कन्वर्जन हो जाती है। ठीक, तो इसमें स्टार्ट करने से पहले जो पहला जो नंबर सिस्टम की बात हो रही है, तो नंबर सिस्टम जो हम पढ़ते हैं वो क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम कहाँ से कहाँ चलता है, 0 से 9 तक। जो मशीन सीखती हैं या समझ में आती है मशीन को, वो क्या है, बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसमें कितने नंबर होते हैं, सिर्फ 2 0 और 1। इसके अलावा एक और नंबर सिस्टम होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, जिसके अंदर 0 से 7 तक की काउंटिंग चलती है, कुल मिला के 8 नंबर होते हैं। इसके अलावा हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम भी होता है, जिसमें 0 से लेके 15 नंबर होते हैं, यानी कि टोटल 16 नंबर होते हैं हेक्सा डेसिमल। ना तो हम इसे ये पढ़ेंगे ना ये पढ़ेंगे, हम इसकी कन्वर्जन करेंगे अभी सिर्फ, ठीक, सिर्फ बाइंड्री करेंगे, क्लियर है यहाँ तक। तो बाइंड्री नंबर सिस्टम के अंदर या कोई भी नंबर सिस्टम, जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम है उसमें कोई नंबर है 23, तो 23 एक डेसिमल नंबर सिस्टम है 2 और 3, और इसके नीचे सबस्क्रिप्ट लगेगा 10। 10 का मतलब डेसिमल, 10 का मतलब ये नंबर सिस्टम क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम है, और इसको मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में। बाइनरी नंबर सिस्टम के पैर में क्या डलेगा, 2 का मतलब मुझे कन्वर्ट करना है इसको बाइनरी में, यानी कि 1001 में। तो डेसिमल नंबर को कभी भी बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है तो पहला मेथड ये है, आप एक नंबर लें डेसिमल, लिख लिया, इस नंबर को 2 से डिवाइड करते जाएं। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 11, एक रिमाइंडर आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 5, एक रिमाइंडर आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 2, एक रिमाइंडर आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 1 तो 0 रिमाइंडर आएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 तो ये 1 रिमाइंडर आएगा। जब तक 0 नहीं आता तब तक डिवाइड करते जाओ, इन सभी रिमाइंडर्स को उल्टा जोड़ लो, 1 0 1 1 1, दिस इज द आंसर। तो ये इसका आंसर होगा, नीचे से ऊपर जोड़ लें, 1 0 1 1 1, ठीक है यहाँ तक। तो कुछ नहीं करना, कोई भी नंबर 2 से डिवाइड करते जाएं करते जाएं करते जाएं और आपके पास आंसर आएगा। जैसे कोई और नंबर ले लेते हैं, जैसे 24 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 12, रिमाइंडर 0, 2 से 6 रिमाइंडर 0, 2 से 3 रिमाइंडर 0, 1 रिमाइंडर, और 2 से 0 रिमाइंडर, तो उल्टा जोड़ लो क्या आएगा, 1 1 0 0 0 आंसर, ठीक है। तो 24 को ऐसे लिखा जाएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, तो ऑनलाइन क्लियर है यहाँ तक कि कैसे इसकी कन्वर्जन की जा सकती है। यस सर, ठीक, यस सर। इसको करने का एक और तरीका है, तो अगर आपको ये मेथड नहीं पसंद कोई बात नहीं, एक और मेथड है जिससे कि आप ऐसा कर सकते हैं। जैसे फिर से क्वेश्चन वही है, 23 डेसिमल नंबर सिस्टम है और कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो आप ना लिखना शुरू करें 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, कब तक, ये तो चलता जाएगा जब तक आपका नंबर 23 मींस 23 को एक्सीड नहीं करता। जैसे अगर मैं नेक्स्ट नंबर लेता हूँ 2 की पावर 5, तो 32 हो जाएगा, 32 तो यार 23 से बड़ा हो गया, छोड़ दो तो नहीं चाहिए। तो 2 की पावर 4 क्या है, 16, 23 से कम है, ले लो। तो आपने इनमें से यहाँ से शुरू हो जाना है और आपने उन नंबर को सेलेक्ट करना है जिससे कि टोटल 23 आना चाहिए। जैसे पहला नंबर कितना है, 16 23 से कम है, सिलेक्टेड। प्लस नेक्स्ट नंबर क्या है, 8, तो नेक्स्ट 16 प्लस 8, 20 ज़्यादा हो गया, इसको रहने दो मत लो। 16 प्लस 4 20 ले लो, 20 प्लस 2
22 प्लस 1 23, सेलेक्ट हो गए नंबर्स, बन गया 23, तो जो सेलेक्ट हुआ वो 1, जो रिजेक्ट हुआ वो 0, आंसर 10111, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे 24 बना लो, 24 अभी अपने बनाया भी था, तो 24 के अंदर बना के देख लेते हैं, ये लो 24 में, ये लो स्टार्ट करते हैं 24 के अंदर, ये क्या है 16 सिलेक्टेड, 16 और 8 कितना हो गया, अरे हो गया बस बन गया, तो फिर हटा दो तो कितना आंसर आएगा 11, यही आया था 11000। तो आपको जो मेथड पसंद है आप यूज कर सकते हो। तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कन्वर्ट करने का के दो तरीके हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हो। उल्टा भी तो आ सकता है, ये भी आ सकता है कि सपोज क्वेश्चन है कि आपके पास 10111 कोई नंबर है, ठीक है, आपके पास नंबर है 10111, ओके, फिर से 24, ये रहा 24 को करना है, 24 करूं, 24 का क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, 24, 2 से किया तो कितना 12, तो 0, 2 से किया तो कितना आया 6, 0, 2 से किया 3, रिमाइंडर क्या आया 0, 2 से किया तो 1, रिमाइंडर 1, 2 से किया 0, तो ये 1, क्या आंसर आया 11000। अच्छा, मेथड 2 से 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, तो ये कितने 16 सेलेक्टेड, ये कितने 8 सेलेक्टेड, तो ये तो बन गया 24, तो रिजेक्टेड रिजेक्टेड रिजेक्टेड, तो क्या बनेगा 11000, 11000, ठीक हो गया, ठीक है, तो 11000। तो अभी उल्टा क्वेश्चन आ सकता है 11000 नंबर बाइनरी में है और किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में उल्टा करना है, तो अगर आपको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो एक काम करो, इसके नीचे लिखो 2 की पावर 0, इसके नीचे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो 0 इंटू 2 की पावर 0 प्लस इन्हें मल्टीप्लाई करो 2 की पावर 1 इंटू 0 प्लस इन्हें मल्टीप्लाई करो 2 की पावर 2 इंटू 0 प्लस इन्हें मल्टीप्लाई करो 1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस इन्हें मल्टीप्लाई करो 1 इंटू 2 की पावर 4, आंसर 24 आ जाएगा, चेक करो, ठीक है। तो कभी भी बाइनरी को डेसिमल में करना है तो कैसे करना है, इसके नीचे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3, 4 जितना भी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन्हें मल्टीप्लाई 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 और फिर सबको ऐड, आंसर। सपोज क्वेश्चन है 10, देखो 10 में कंफ्यूजन है, लगता है बाइनरी डेसिमल पता नहीं, तो नीचे लिखना पड़ेगा यार ये 10 है कि क्या है, तो ऐसे होगा, ये मेंशन करना पड़ेगा, अब करना पड़ेगा, अगर 10 है तो 10 को 2 से डिवाइड कर लो, क्या आ जाएगा 5, तो रिमाइंडर आएगा 0, 2 करेंगे 2 रिमाइंडर आएगा 1, 2 करेंगे 1 रिमाइंडर आएगा 0, 2 करेंगे 0 रिमाइंडर आएगा 1, तो 10101010 इज द आंसर, ऐसे बनेगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो कन्वर्जन क्लियर है? तो अगर कन्वर्जन पे क्वेश्चन आ जाए तो कुछ इस टाइप का आएगा, वैसे गेट्स पे ज़्यादा आएगा। चलो स्टार्टिंग क्योंकि यहाँ से थी तो मैंने बता दी, तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ दो ही डिजिट्स हैं 0 या 1, और 0 या 1 को बिट बोलते हैं, 0 बिट 1 बिट, इससे छोटा यूनिट नहीं है। तो नेक्स्ट जो है कन्वर्जन मैंने सिखा दी, कैसे कन्वर्जन करनी है, कन्वर्जन हो गई,
जब आप कन्वर्जन करते हो, जैसे 23 को आपने लिखा 10111, तो इसका जो आखिरी बिट है उसको बोलते हैं LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और फर्स्ट वाले को बोलते हैं MSP, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो ये नाम है इनके, लीस्ट और मोस्ट। तो इसके अंदर दो टाइप के सिग्नल हैं, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल वो सिग्नल हैं जो कि टाइम के साथ अपनी वोल्टेज को कॉन्टिन्यूसली क्या करते हैं, चेंज। तो कभी ज़्यादा कभी कम, हर वक्त इंस्टेंट, जैसे AC करंट होता था, वो एनालॉग है। डिजिटल सिग्नल ऐसा नहीं होता। डिजिटल सिग्नल की दो ही वैल्यूज होती हैं, या तो हाई वैल्यू या लो वैल्यू, जैसे 5 वोल्ट है या 0 वोल्ट है, 5 वोल्ट है या 0 वोल्ट, 4.5 वोल्ट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो दो ही सिग्नल हैं, डिस्क्रीट लेवल्स हैं, ये डिजिटल सिग्नल है। ठीक, नेक्स्ट है लॉजिक गेट। लॉजिक गेट का मतलब लॉजिक, दिमाग लगा के गेट, दरवाज़ा खुलेगा, ऐसे नहीं खुलेगा। ठीक है, तो गेट का मतलब दरवाज़ा और लॉजिक के साथ खुलेगा, तो इसलिए इसका नाम है लॉजिक गेट। दरवाज़ा खुले, कौन सा दरवाज़ा खुलेगा? किसी गेट, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, अगर वो दरवाज़ा खोलता है तो सिग्नल को भेजता है बाहर, आउटपुट आएगा, और अगर वो क्लोज रखता है सिग्नल, बिल्कुल भी आउटपुट इसमें जीरो मानी जाएगी, कोई सिग्नल नहीं आएगा, तो इसलिए इसका नाम है लॉजिक गेट। कैसे काम करता है इसको देखते हैं। तीन किस्म के बेसिक गेट्स हैं, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। ये तीन सबसे बेसिक गेट्स हैं। जो और गेट है उसका सिंबल S है, अभी बना भी होगा आगे, ये और गेट है। इसकी दो इनपुट्स हैं, ये दो इनपुट्स लेगा सिग्नल और एक आउटपुट देगा। जो एंड गेट है वो देखने में S है, इसकी भी दो इनपुट्स हैं और एक आउटपुट है। नॉट गेट देखने में S है, इसकी एक ही इनपुट है और एक ही आउटपुट है, एक ही इनपुट है और एक ही आउटपुट है। जो और गेट है ये काम कैसे करता है, और गेट दो सिग्नल्स लेगा ए एंड बी, इन दोनों को ऐड करके आपको आउटपुट देगा, दो सिग्नल्स को ऐड करके आंसर देगा, ये और गेट है। एंड गेट क्या करता है, ये दो सिग्नल्स को मल्टीप्लाई करके आंसर देगा, ए इंटू बी, ये याद रखना पड़ेगा, ए इंटू बी। और जो नॉट गेट है, ये ए बार, इसका फॉर्मूला है ए बार, बड़ा सिंपल है। अगर आप इसको जीरो इनपुट दे रहे हो तो इसको वन कर देगा, और अगर वन कर रहे हो तो जीरो कर देगा, ये उल्टा कर देगा, जीरो का वन कर देता है, वन का जीरो कर देता है। क्लियर है यहाँ तक? तो इसके अंदर ये जो एक्सप्रेशन है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, पर इस एक्सप्रेशन की खास बात ये है कि बी की वैल्यू इसमें या जीरो होगी या वन होगी, ए की वैल्यू इसमें जीरो होगी या वन होगी, वाई का आंसर भी या जीरो होगा या वन होगा। इसलिए इस एक्सप्रेशन का नाम है बूलियन एक्सप्रेशन। बूलियन का मतलब जितने भी वेरिएबल इन्वॉल्व हैं उसमें दो ही वैल्यूज हो सकती हैं, जीरो या वन। तो ये बूलियन एक्सप्रेशन हैं सारे के सारे। ठीक है यहाँ तक? तो ये फॉर्मूला या एक्सप्रेशन याद हो गया हर गेट का। तो इसके अंदर अगर हम और गेट की बात करते हैं, तो और गेट, ये आपका और गेट है, ये और गेट मैंने बता दिया। और गेट में ये ए, ये बी, तो वाई आपको क्या करके देगा, ए प्लस बी। अब ए और बी दो इनपुट सिग्नल्स हैं, देखो ए जीरो या वन हो सकता है, बी जीरो या वन हो सकता है, कुछ भी, तो कई कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। जैसे ए आपने जीरो रखा, बी आपने जीरो रखा, ए आपने जीरो रखा, बी आपने वन रखा, ए वन रखा, बी जीरो रखा, और ये वन रखा, वन रखा, कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, जीरो 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 वन वन जीरो वन वन, तो कोई मर्जी कॉम्बिनेशन हो। तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट में ए प्लस बी, तो ये गेट क्या करेगा, दोनों को ऐड करके आंसर देगा, जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो प्लस वन वन, वन प्लस जीरो वन, वन प्लस वन टू, नहीं टू नहीं होता, वन ही होता है इसमें वन, क्योंकि टू तो अलाउड ही नहीं है ना, तो इसका आंसर भी वन ही माना जाता है। तो ये इसका टेबल है जो सच या झूठ ही बोलता है, वन का मतलब सच, जीरो का मतलब झूठ, इसका इसका नाम क्या है, ट्रुथ टेबल। इस टेबल का नाम है ट्रुथ टेबल, वो कहेगा ड्रॉ द ट्रुथ टेबल ऑफ दिस गेट, तो ये ट्रुथ टेबल बनाना है। वन प्लस वन वन ही होता है ऐड करके इसमें, कैलकुलेशन इलेक्ट्रॉनिक्स की, टू तो अलाउड ही नहीं है ना, कहाँ से लाऊं, जीरो हो नहीं सकता। ठीक है यहाँ तक? ठीक है यहाँ तक? वैसे लॉजिक कुछ और है, लॉजिक इसमें कुछ अलग तरीके से बताता हूँ क्या लॉजिक है। यहाँ तक क्लियर है? तो ऑनलाइन वालों को क्लियर है ये गेट? यस सर, यस सर। नेक्स्ट गेट जो है वो है एंड गेट। एंड गेट का फॉर्मूला वाई इज इक्वल टू, बोलो क्या करता है, वाई इज इक्वल टू ए इंटू बी, ए इंटू बी, तो ए लिखो, बी लिखो, वाई इज इक्वल टू ए इंटू बी लिखो,
जीरो 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 वन वन जीरो वन वन, तो मल्टीप्लाई करें जीरो 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 और वन, इसका ट्रुथ टेबल तैयार हो गया। ठीक है यहां तक, इसका ट्रुथ टेबल है ये, तो और गेट का हो गया, एंड गेट का हो गया। नेक्स्ट जो गेट है वो है नॉट गेट। नॉट गेट तो ये बिल्कुल छोटा सा है, ये रहा ए और ये रहा वाई इज इक्वल टू ए बार। तो ए में ए की वैल्यू जीरो या वन, ए बार में जीरो का वन, वन का जीरो, तो ये उल्टा कर देगा, सिंपल। ठीक है यहाँ तक, तो ये आपका नॉट गेट है। तो अब इसमें किसी भी गेट में ए प्लस बी, बी प्लस ए के इक्वल है, कॉम्यूटेटिव लॉ एप्लीकेबल है। ए इंटू बी, बी इंटू ए के इक्वल है, ये भी एप्लीकेबल है। डबल कॉम्प्लीमेंट, ए बार का बार विल गिव ए, वो तो है ही। वो क्यों? क्योंकि जो अगर ए लेते हो, ए या जीरो या वन है, ए बार का मतलब क्या होता है, वन या जीरो है। ए बार के ऊपर बार का मतलब और उल्टा कर दो, वन का जीरो, जीरो का वन, तो देखो सेम आ गया। तो ए बार का बार विल गिव ए, तो हम मैथमेटिक इसको कैंसिल ही कर दिया करेंगे, अफेक्टिव कैंसिल हो गया। ठीक हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट है डी मॉर्गन्स थ्योरम, मैथ फॉलो करते भी हैं इसे। ए प्लस बी का बार कैन बी रिटन एज ए का बार इंटू बी का बार। तो याद रखना, ये पूरा बार अगर ए बार बी, इस पूरे बार को अगर ब्रेक कर रहे हो तो प्लस मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। उल्टा भी ट्रू है, अगर ए इंटू बी का होल बार है और इस होल बार को ए बार बी बार को दे रहे हो तो मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। तो ये रूल इसमें लग सकता है, ये नहीं करना। नेक्स्ट, जैसे क्या हुआ है, ए प्लस बी का होल बार ए बार इंटू बी बार, ए इंटू बी का बार ए बार प्लस बी बार, सेम ही रूल है। अब जैसे यहाँ पे लगा दिया ए बार प्लस बी बार का होल बार, इस होल बार को जब ब्रेक करेंगे ए बार के ऊपर बार, बी बार के ऊपर बार, तो प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ए बार का बार ए, बी बार का बार बी, ऐसी ए इंटू ए बार इंटू बी बार का होल बार, होल बार को ब्रेक करेंगे इसके इसके ऊपर, तो मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो आंसर ए प्लस बी। ठीक है, बार का मतलब जीरो का वन करता है, वन का जीरो करता है। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर में ये लोग करते हैं, तो ए बार का मतलब उल्टा कर देगा, जीरो का वन करेगा, वन का जीरो कर देता है। तो जैसे इसने ए था, ए बार ने उल्टा किया, उल्टा का उल्टा सीधा, ऐसा है। ठीक, तो और गेट की कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट मार्क करो, आपके कंपटीशन में आती है, ये आती है। वो क्या करेगा, वो कहेगा कि करेक्ट ऑप्शन मार्क करो कंस्ट्रक्शन ऑफ और गेट, और गेट काम कैसे कर रहा है एक्चुअल में। तो वो ना ये डिब्बा हटाएगा बाहर वाला, ये शेप, क्योंकि शेप दिखा दी फिर तो पता लग जाएगा और गेट है, ये हटा देगा, बस अंदर की चीजें रख लेगा। तो और गेट बना हुआ है दो डायोड से, अंदर इसके दो डायोड लगे होते हैं, इसकी बाइसिंग होती है, वो बाइसिंग डिसाइड करती है कि वन होगा या जीरो होगा। तो इसकी वर्किंग है, हम नहीं कर रहे, पर बाइसिंग से डिसीजन होता है, पर हम नहीं कर रहे। तो ये याद रखना, दो डायोड है और एक रजिस्टर लगा होता है, तो ये कंस्ट्रक्शन किसकी है, और गेट की है। और गेट का एनालॉग सर्किट भी होता है, मतलब कि इसका एक सिंपल सर्किट जो रिप्रेजेंट करता है और गेट को। ये देखो, ये रहा, ये और गेट की तरह काम करेगा, कैसे, क्योंकि जो और गेट है वो कैसा है, जीरो 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 वन वन जीरो वन वन, ए प्लस बी विल गिव जीरो वन वन एंड वन। ठीक है, देखो दो स्विच लगा रखे हैं, अगर मैं ऑन करता हूं तो वन बोलना, अगर मैं खुला रखता हूं तो ऑफ बोलना। बल्ब ऑन हो गया तो वन बोलना, ऑफ रह गया तो जीरो बोलना। तो सोचो मैंने जीरो जीरो किया दोनों को, ए और बी दोनों जीरो जीरो हैं, ये भी खुला छोड़ दिया, ये भी खुला, तो करंट कहां से जाएगा, जाएगा ही नहीं, तो बल्ब बंद रहेगा, तो बल्ब बंद रहेगा तो आउटपुट है जीरो। अगर मैंने इसको खुला छोड़ दिया जीरो, इसको बंद कर दिया, अब सारा करंट नीचे से चला जाएगा, बल्ब ऑन हो जाएगा तो आउटपुट इज वन। ऐसी इसको खुला छोड़ दिया, इसको वन कर दिया तो भी बल्ब ऑन होगा, दोनों बंद कर दिए तो भी वन होगा। तो ये ट्रुथ टेबल को मैच कर रहा है। ठीक है यहां तक, तो कैसे ये बनाया, समझ में आया। दोनों, अगर ये दोनों ए एंड बी ऑफ हैं, खुले हुए हैं, तो बल्ब ऑन नहीं होगा। दोनों में से एक भी स्विच ऑन है या दोनों ऑन है तो बल्ब ऑन हो जाएगा। दोनों में से एक भी ऑन है या दोनों ऑन है तो बल्ब ऑन हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से जो नेक्स्ट गेट है वो आपका एंड गेट है। मार्क करो इंपॉर्टेंट, ये आउटर बाउंड्री नहीं देगा आपको डॉट वाली,
क्योंकि यही रहेगा फिर तो पहचान लोगे एंड गेट है, वो कहेगा कंस्ट्रक्शन ऑफ एंड गेट मार्क करो, एंड गेट में डायोड उल्टे लगे हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, सीधे नहीं है, दो डायोड से बना हुआ है, दो डायोड हैं, दोनों उल्टे हैं, और एक और इंपॉर्टेंट रजिस्टर के साथ बैटरी भी लगी है 5 वोल्ट की, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका स्टार लगा लेना, रेजिस्टेंस के साथ 5 वोल्ट की बैटरी भी लगी होती है अंदर, ये आपका एंड गेट है, तो इसे आप मार्क कर सकते हो। तो आपके जब प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे ना, आपको देखेंगे ये क्वेश्चन, एंड गेट की कंस्ट्रक्शन और गेट की कंस्ट्रक्शन मार्क करो, ठीक है। तो इसका जो इसका इसका भी एक एनालॉग सर्किट है, मतलब मिलता जुलता सर्किट जो इसके टेबल को मैच करता है। देखो ये, देखो ये आपका एंड गेट है, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा ए इंटू बी, 0 0 0 1 1 0 1 1, तो 0 0 0 1। देखो अगर इसमें से कोई भी एक स्विच ऑफ रह गया, खुला रह गया, कोई भी एक बल्ब ऑन नहीं होता, तो देखो कहीं पर भी जीरो आ गया तो जीरो, कहीं पर भी जीरो आ गया जीरो, कहीं पर भी जीरो आ गया जीरो, लेकिन जब दोनों ऑन होंगे तो बल्ब ऑन हो जाएगा, सही है, जब दोनों ऑन है 1 1 तो बल्ब ऑन हो जाएगा 1, राइट। फिर तीसरा मार्क करो, नॉट गेट की कंस्ट्रक्शन आती है, ये ट्राइंगल नहीं देगा, पहचान जाओगे नॉट गेट, अंदर वाला देगा, इसके अंदर ट्रांजिस्टर लगा हुआ है एनपीएन, जिसमें एरो राइट की तरफ है, और एक बैटरी लगी हुई है 5 वोल्ट की, ये भी इंपॉर्टेंट है, कंस्ट्रक्शन अच्छे से देख लेना, आएगी पेपर में मार्क करने को। तो गेट्स और एंड काम करते हैं डायोड से, और नॉट गेट काम करता है ट्रांजिस्टर से, कैसे करता है लंबी कहानी है, वो नहीं हमने करनी अभी। तो तीन गेट्स के बारे में मैंने आपको बताया, इसका देखो सर्किट कैसे बनेगा, मिलता जुलता कैसे, एनालॉग सर्किट में अगर मैंने इसको दबा दिया 1, सारा करंट यहीं से आ जाएगा, बल्ब में जाएगा ही नहीं, 0, बल्ब ऑन ही होगा, और अगर खुला छोड़ दिया 0 तो ऊपर से जाएगा, बल्ब ऑन हो जाएगा, 0 का 1 1 का 0, तो ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा। तीन गेट्स हमने किए, नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स। कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स में पहला गेट है नैंड गेट, तो और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नैंड गेट बना हुआ है कॉम्बिनेशन ऑफ एंड गेट एंड नॉट गेट। अगर आप एक नैंड गेट लें, इस नैंड गेट ने आउटपुट क्या देनी है आपको, ए इंटू बी, और इसको नॉट गेट में एंटर करवा दें तो आंसर क्या आएगा, ए इंटू बी का बार, तो ये नैंड गेट बन जाएगा। इंस्टेड ऑफ यूजिंग टू गेट्स हम एक ही गेट यूज करते हैं, ये एक ही बात है, इन दो की जगह ये बनाते हैं, एक ही बात है, नैंड गेट है। तो नैंड गेट कैसे बनेगा, एंड के आगे सर्कल लगा दें तो ये नैंड गेट कहलाएगा, नैंड गेट, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए इंटू बी का बार, याद रखें। तो नैंड गेट क्या करता है, ये कौन सा गेट है, एंड गेट है, एंड गेट क्या करता है, दोनों को मल्टीप्लाई, ये इसके अंदर एंटर करेगा तो नॉट गेट क्या करता है, बार लगा देता है, बन गया। तो इसका अगर ट्रुथ टेबल बनाना है ए एंड बी, तो 0 0 0 1 1 0 1 1, ए इंटू बी का मतलब सबको मल्टीप्लाई कर दो, और ए इंटू बी का बार का मतलब सबको उल्टा कर दो, 1 1 1 और 0, ए इंटू बी बार उल्टा कर देना, ठीक, क्लियर है यहां तक। तो नैंड गेट याद रखना, नेक्स्ट है नॉर गेट। नॉर गेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, नॉर गेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ और गेट एंड नॉट गेट। और गेट क्या करता है, ए प्लस बी, तो जब ये इसमें एंटर करेगा तो ए प्लस बी का बार, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग टू गेट्स एक लगा दो, ये नॉर गेट है। तो नॉर गेट का फॉर्मूला याद कर लो, नॉर गेट क्या करता है, दोनों इनपुट्स को ऐड करता है और ऊपर बार लगा देता है, तो ये नॉर गेट है। तो नैंड गेट का फॉर्मूला ए इंटू बी का बार, नॉर गेट का फॉर्मूला ए प्लस बी का बार, ठीक, ऑनलाइन क्लियर है, यस सर, ठीक। नेक्स्ट गेट है जोर गेट या एक्स और गेट। एक्स और गेट या जोर गेट जो है ये 5 गेट्स का कॉम्बिनेशन है, जिसमें ये ए ए सिग्नल आया, इसमें ए एंटर कर रहा है, और ये वायर, ये जो वायर है यहाँ भी जा रही है, इसमें भी ए एंटर कर रहा है, ये बी एंटर कर रहा है, यहाँ से वायर यहाँ भी आ रही है तो बी एंटर कर रहा है,
ये वायर यहाँ से एंटर करके आ रही है, तो ए बार, ए का ए बार बना के भेजेगा ये, ऐसे ये बी का क्या बना के भेजेगा, बी बार। ये एंड गेट है, एंड एंड गेट क्या करता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, ये भी एंड है, क्या करेगा इन दोनों को मल्टीप्लाई। ये कौन सा गेट है, और गेट, ये क्या करेगा इन्हें एड, ए बार इंटू बी प्लस बी बार इंटू आंसर। ठीक, तो मतलब पहले ये ए बार देगा, इधर से बी आएगा, एंड गेट इन्हें मल्टीप्लाई करेगा, फिर एंड गेट इन्हें भी मल्टीप्लाई करेगा, और गेट इन्हें ऐड कर देगा। ठीक, इसका फॉर्मूला बन गया ए बार इंटू बी प्लस बी बार इंटू ए। ठीक, आपको ये पांच गेट्स याद करने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, आप एक ही गेट याद करें, पांच की जगह एक गेट बस, ये इसकी शेप है, ये एक्स और गेट है, बस इसी इसी में लिख दें कि ये जो गेट का जो फाइनल आउटपुट है वो ए बार इंटू बी प्लस बी बार इंटू ए, बस ये फॉर्मूला याद कर लें, ये एक्स और गेट है। ठीक, लास्ट वाला ही है, बाकी सब तो आसान है। ठीक है यहाँ तक। अब एक सर्किट है, इसको इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं, आईसी। आईसी एक चिप है जिसके ऊपर बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं, जैसे कैपेसिटर, रेजिस्टर, डायोड, ट्रांजिस्टर्स इकट्ठे काम करते हैं, उसको आईसी बोलते हैं। तो एक आईसी बहुत छोटा सा होता है, आप फोन्स के अंदर, एप्पल के फोन के अंदर ब्लैक ब्लैक करके आईसी लगे होते हैं, इंटीग्रेट किए होते हैं उसमें, उसमें हजारों हजारों डायोड्स, गेट्स सब लगे होते हैं, वो मशीन बनाती हैं, इतनी छोटी डिवाइस है ये, इतनी इतनी छोटी डिवाइस है। तो एक आईसी में हजार हजार, दो दो हजार इक्विपमेंट्स भी लगे होते हैं, उस कंपोनेंट्स लगे होंगे, तो ये आईसी है। तो अगर आपका आईसी में 100 और 1000 के बीच में कंपोनेंट्स हैं, उसको मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं, और अगर एक 1000 से ज़्यादा कंपोनेंट्स हैं, उसको लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स बोलते हैं। ठीक, तो पावर इसकी लो होती है, कॉस्ट लो होती है आईसीज की, ये इसका फायदा है, और आगे कुछ एग्जांपल्स हैं जो नेक्स्ट टाइम करेंगे।